जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था, तो वो कैसे अधिकार हो गया जी, कानूनी अधिकार? अरे अलग कैसे हो, तो पार्ट है ना देश का। कोई तो राहुल गांधी को समझाना हो तो कैसे बोलेंगे कि कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि राहुल भैया बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत सरल बात कर रहे हैं, एकदम मीठा झलक रहा है उनका बात यानी। मंद बुद्धि से ना बहस में कभी नहीं जीत सकते हैं आप। क्या मंद बुद्धि है वो, बोल सकते हैं? अच्छा ये बोल सकते हैं, दे रहा है भैया फ्री में दे रहा है, फ्री में देना उतना उचित नहीं है। उचित उतना तो उचित नहीं है फ्री में देना, उतना कितना करोड़ का घाटा आ रहा है पता है इसको? बहुत। आने वाले समय अगर भाजपा आती है तो समझ में आएगा कि आटा दाल का भाव क्या है। बहुत देश के दो राज्य जो है बिकवाली के दौर में आ गए, कर्नाटक हिमाचल प्रदेश, अब झारखंड का नंबर है, झारखंड का नंबर है। अगर भाजपा नहीं आई तो ये राज्य भी जो समृद्ध राज्य है ये भी एक बेकार राज्य में तब्दील हो जाए। बहुत बहुत बहुत। चलिए भैया आप नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं धनबाद के बैंक मोड़ में और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों ऐसे कुछ वारदातें हो रही हैं जो जगह जगह सुर्खियां बन रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कोई होता है वो खाने की चीजों पर थूक देता है, कोई खाने की चीजों में मूत्र मिला देता है, तो कहीं सब्जी जो है वो नाली के पानी से धोए जाते हैं। तो इस पर एक कानून भी बनाया गया था, कानून ये बनाया गया था कि जो बेचने वाले हैं वो अपना नाम प्रदर्शित करें, प्रोप्राइटर्स जो है। ये मामला उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन दिनों हुआ था जब कांवड़ यात्राएं चल रही थी। तो आम जनता के बीच में हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि इस समय देश के जो हाल है, देश के जो दो नौनिहाल है हमारे साथ बैठे हुए, वो उसको देश में जो हालत है, सूरत हाल है, उसके बाद उनका क्या कहना है, उनका क्या जानना है। दो है तो आइए उनसे बात करते। भाई आपका नाम? मेरा नाम लक्की हुआ। लक्की, और आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार, तो इन दोनों से हम बात करेंगे कि इस समय देश के जो हालात हैं, माहौल है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। भाई जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, आपको पता है? हाँ जी पता है। आपको पता है? जी पता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, जो हमने पहले चर्चा की उस पर मैं बात करूंगा, वो कहते हैं कि जिनका कानूनी हक है उनको हम कानूनी हक दिलाएंगे, जो कानूनी अधिकार छीना गया। धारा 373-35 जम्मू कश्मीर में था, उसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद ये हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं अब उन्हें नागरिकता मिलेगी, कुछ को मिला भी कुछ को नहीं मिला, ये चर्चा का विषय वस्तु है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 373-35 से कानून से ये समस्याएं थी कि जम्मू कश्मीर की लड़की अगर शेष भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेती थी तो उसकी नागरिकता चली जाती थी। कोई पाकिस्तानी अगर जम्मू कश्मीर में किसी लड़की शादी करता था तो उसको बिन बुलाए बाराती की तरह उसे दामाद बनाकर रखा जाता था, जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाया करती थी। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, अलग विधान था, अलग झंडा था, हमारे तिरंगा को वो सम्मान नहीं मिलता था। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भैया हम सत्ता में आएंगे, इस बार इलेक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो हम आने के बाद जम्मू कश्मीर वालों को उनका जायज अधिकार दिलाएंगे, धारा 373-35 से दिलाएंगे, वापस कराएंगे। तो राहुल गांधी कांग्रेस करते हैं देश को आजाद कराए, देश को तोड़ने वाली बात है, इस पर आपका क्या कहना है? अधिकार तो सबका बराबर है ना, उसके लिए स्पेशल अधिकार कहाँ से देगा देश या इंडिया, जो भी सरकार जो हमारे लिए है वो उनके लिए भी है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनका बेसिक अधिकार था धारा 373-35 है, हम लोगों का वो अधिकार नहीं था, हम लोग जम्मू कश्मीर में बाहरी थे, तो ये भी भिकमंगे हैं जम्मू कश्मीर वाले, उनको बड़ा उनका हम अधिकार दिलाएंगे, इस पर क्या कहना है? अरे पार्ट तो वो भी देश का है ना। तो राहुल गांधी को पता है कि नहीं ये चीजें? तो पता नहीं, अब उनको पता है कि नहीं वो तो उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको पता है कि नहीं, लेकिन पार्ट तो देश का है, जो हमारे लिए कानून है वो उनके लिए भी होना चाहिए, जो हमारे लिए क्राइम है उनके लिए भी वही क्राइम होना चाहिए। ठीक है, आप हमको बताइए धारा 370 भारत के लिए बढ़िया था? 35 से धारा 370 जो था बढ़िया तो नहीं था, बढ़िया नहीं था, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हम आएंगे सत्ता में आएंगे तो फिर से धारा 370-35 की वापसी कराएंगे, तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में? होगा तो नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। जाहिर सी बात है, इतना खुश करने के लिए, इतना उन्होंने नाराज किया ये छोटे को खुश करने के लिए, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो खटाखट पैसा देंगे, 1 जून आएगा 8000 रुपया महीना आएगा, तो इतना खुश करने के लिए ना इतना की बात कर रहे थे, सबको थोड़ी बात कर आया क्या आपके अकाउंट में 8000? मेरे तो नहीं आया, मैं तो अभी भी मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब मेरे खाता में आएगा। बात होता बहुत है, होता कुछ नहीं है। अच्छा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर वालों का अधिकार छीना गया, धारा 370-35 एक ऐसा कानून था, एक ऐसा अधिकार था जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था, तो वो कैसे अधिकार हो गया जी, कानूनी अधिकार?
अरे अलग कैसे हो, तो पार्ट है ना देश का। कोई तो राहुल गांधी को समझाना हो तो कैसे बोलेंगे कि कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि राहुल भैया बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत सरल बात कर रहे हैं, एकदम मिठास झलक रहा है उनका बातिया में। मंद बुद्धि से ना बहस में कभी नहीं जीत सकते हैं आप। क्या मंद बुद्धि है वो, बोल सकते हैं। अच्छा ये बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए केंद्र सरकार से अगर 10 रुपया चलता है, वो झारखंड को 10 रुपया मिलेगा, यूपी को मिलेगा, बिहार को मिलेगा, केरला को मिलेगा, तमिलनाडु को मिलेगा, तेलंगाना को मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, वही जम्मू कश्मीर को उसके बदला 110 रुपया मिलता है। तो भैया टैक्स पेयर के पास से, जम्मू कश्मीर से उतना टैक्स भी नहीं आता। तो भाई और वहां का कल एक मेरी पत्रकार थी, उसने वीडियो बना रहे थे जम्मू कश्मीर में कि वो मंदिर बन रहा है, तो मुसलमान बोल रहा है मंदिर हम नहीं बनाए, बनने देंगे हम मंदिर जला देंगे, तो इसमें क्या बोलिएगा। तो ये बोला था कि मोदी झंडा नहीं लहरा सकते वहां पे, कश्मीर में जाके लहरा के आ गए इज्जत से। नहीं वो तो महबूबा मुफ्ती बोली थी कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में, तो उठा के लहरा के भी आए आराम से इत्मीनान से। अच्छा हमारे जो नेता है, राजनेता है, उन्हें वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं गाली क्यों देते हैं? सब कहाँ देता है, जो देता है वो जीत कहाँ पा रहा है। बताए राहुल गांधी एक उदयनिधि स्टालिन का नाम जानते हैं? डीएमके का नेता है, कहा था कि हिंदू जो है क्या चीज बोलते हिंदू धर्म में वो एड्स है, कोर है, चिकनगुनिया है, और राहुल गांधी ने संसद में कहा था हिंदू हिंसक है। लाइव दिख रहा है ना हिंसक कौन है, लाइव दिखता है ना हम हिंसक है, तो हम कहाँ लड़ रहे हैं किसी से, हम किसी का फेस्टिवल में कहाँ पत्थर मार रहे हैं या किसी का घर में जाके हम कहाँ गाली गलौज कर रहे हैं। यही तो है कि हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं शायद कि हम हिंदू हिंसक है। आपने देखा है कहीं भी हिंदू ने किसी के घर तोड़ा हो, किसी की चीजें तोड़ी हो? अगर हिंसा ऐसे होता है तो हाँ अच्छा है, हिंसक खुश है, हिंसक रह के हम बहुत अच्छा इंसान है, हम अच्छा हिंसक है। अगर ऐसा हिंसक होता है कि तुम्हारा फेस्टिवल है तो हाँ हम तुम्हारे फेस्टिवल में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना फेस्टिवल में तुमसे लात भी खा रहे हैं, अगर ऐसा हिंसक है तो हम अच्छा हिंसक है। ठीक है, हम आखिरी हम शुरुआत में जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं, योगी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि युवा देश का सत्ता मिल गया तो देश पलट बदल जाएगा, मतलब बदलते बाबा जी सत्ता में आएंगे? यूपी में बाबा बोले कि भैया अपना नाम के सामने पोस्टर लगा दो, दुकानें बेच रहा तुरंत रातों रात लग जाता है। योगी जी बोले पत्थर नहीं चलेगा, जब पत्थर नहीं चलता है। योगी जी बोलते हैं कि जो हिंसा करेगा उसको हम ठिकाने लगा देंगे। एक योगी, उनको बहुत जगह गालियां मिलती है पॉलिटिकल पकड़ के, संविधान खतरे में कर दिया योगी जी। हर इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता है, तो गाली तो मिलना ऑब्वियस सा बात है। दूसरी बात है कि वो बोलते हैं तो कर देते हैं ना, मतलब कथनी करने में उनका अंतर नहीं, जो कह दिया उसको कह दिया, ब्रह्मा की लकीर। बोलने से पहले वो बंदा भिड़ा देते होंगे कि हाँ हम बोलने जा रहे हैं, इससे पहले तुम काम करो, यहाँ से बोल के निकले तो काम डन होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी भविष्य में आपके नजर? पॉसिबिलिटीज तो है। मोदी जी के बारे में युवा क्या, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा भी 21 हो रहा है। अरे भाई हमसे बहुत जूनियर हो, 10-12 साल छोटे हो, तो क्या सोच रहे हो? इस बार जो चुनाव में सीटें घट गई हैं थोड़ा वो सर, उतना डीपली तो नॉलेज नहीं है मेरे को, बट हुआ होगा कुछ अंदर का ऐसे। वोट दिए थे आप? नहीं इस बार नहीं दिए थे, इस बार नहीं दे पाए। अच्छा था, वोट कार्ड नहीं पड़ा। कोई दिए हैं घर पे? किनको दिया था एक आईडिया? मैं घर पे सबको है, बीजेपी सब, भाजपा सब सब, लेकिन सीटें तो घट गई ना। अब किधर से घटा तो बोल नहीं सकते। चलो ठीक है। अच्छा भाई एक युवा है 21 साल के, आप मैया सम्मान योजना आया है, 1000 रुपए के लिए जितनी माँ बहने हैं वो लंबी लाइन में लगी हैं, और विधानसभा चुनाव है नवंबर दिसंबर में, क्या सोचते हैं आप? हम झारखंड में ही बैठे, हमारा राज्य है ये झारखंड, इसमें क्या आपका विचार है? 1000 मिल रहा है, बढ़िया बात है, काफी को जरूरत भी है। लेकिन जरूरत है, लेकिन इससे आदमी कमजोर बना रहे हैं बिना काम किए। अब देखिए आप शायद काम से ही आ रहे हैं, शायद बिना काम किए पैसा मिलता तो हम लोग घर से निकलने की क्या जरूरत थी। एक तरीके से ना इसको राशन कार्ड वाला सिस्टम में लाना चाहिए कि जो इसको जिसको जरूरत है उसी को मिलता है राशन, जो गरीबी रेखा के नीचे हो, हमको आपको नहीं, बीपीएल से आता हो हमको आपको राशन कार्ड नहीं मिल सकता है। वो जो पेंशन वाला सिस्टम है वो भी वैसा रहता तो बेटर होता कि जिसको जरूरत है उसी को मिलना चाहिए। 1000 ना दो, मेरा 1000 काट के उसको दो जिसको एक्चुअल में जरूरत है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो है सबको मिलेगा। हाँ तो शुरू किया है धीरे धीरे, आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है उसकी मदद की जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ज्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बदन में कपड़े तक नहीं चढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मौज मार रहे हैं। हाँ ये भी बात है। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपसे से बात करने के लिए। तो चलिए एक और सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं और बात करते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि देश के हालात कंडीशन क्या है। एक युवा से बात किए, उन्होंने जोरदार बातें की, अपने जोरदार पक्ष रखा है। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ प्रेम कुमार। प्रेम जी थोड़ा प्रेम बरसाइए यहाँ पर भी।
जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आपको पता है? जी हाँ पता है। तो राहुल गांधी जी खूब जा रहे हैं और जम्मू और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है कभी बात कर रहे हैं, कभी पूर्व दोनों मुख्यमंत्री बाप बेटा से मिलकर खूब आहें भर रहे हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अधिकार छीन लिया। ये नहीं हो पाएगा, कोई भी हालत में नहीं हो पाएगा। और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगा। कुछ भी हो जाए, मोदी हमारा है, मोदी हमारा ही रहेगा। और मैं जो करना चाह रहे हैं वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो चाह कर भी नहीं हो पाएगा वो पॉसिबल, क्योंकि वो हर जगह से हिंदू के खिलाफ, मतलब जाति के खिलाफ विवाद जो करवा रहे हैं ये गलत करवा रहे हैं, क्योंकि सारा इंसान एक ही है, कोई अलग नहीं है। और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना हम लोग कास्ट हम लोग डिवाइड जनक किया गया है, इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाने का ये प्रतीक करवा रहे हैं राहुल गांधी जी। और जो हमारे देश के पूर्व हमारे पीएम है वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि आने वाला समय में जो हम लोग लड़ाई झगड़ा जो सारा चीज कर होने होता ये, तो ये पीएम ये उसका ये मतलब बता नहीं सकता उसका नहीं, हम बयान भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अधिकार छीन लिया, धारा 373-35 शेष भारत से तो अधिकार छीन रहा था। जम्मू कश्मीर की लड़की रेस्ट ऑफ इंडिया में शादी करती है तो नागरिकता खो देती थी 2019 से पहले। भैया एक पाकिस्तानी मोमिन अगर जम्मू कश्मीर में शादी करता था तो वहाँ दामाद बन जाया करता, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी ना, हम जमीन खरीद सकते थे, वो हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते थे। तो कौन सा अधिकार छीना, किसको अधिकार दिया, बात की बात है, राहुल गांधी जानते होंगे। लेकिन भैया बात यह है कि राहुल गांधी की बहनियां जब चुम्मा चाटी करते हुए एक दूसरे में बर्फ फेंक रहे थे, वहाँ सिक्योरिटी से तभी ना बर्फ फेंकते हुए नजर आ रहे थे। आजादी से पहले कोई नेता वहाँ बर्फ फेंकते हुए एंजॉय करते हुए खेलते हुए नजर आया, क्या कहेंगे? नहीं, आजादी से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता आजादी से पहले। और जो ये सब घिनौना काम कर रहे हैं और दूसरे के प्रति जो करवा रहे हैं ये सब राहुल गांधी, ये अच्छा चीज नहीं है। हम लोग हिंदू में लोग पैदा लिए हैं और हिंदू में ऐसा चीज करवा रहे हैं, ये सब देखकर सुनकर ये सब अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, क्योंकि हम लोग सारे घर में मिडिल क्लास फैमिली लोग रहते हैं, अच्छे से रहना पूछते हैं, मगर दूसरे के प्रति झगड़ा करवाना ये करवाना अच्छा थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब ये चीज सही नहीं है। नहीं, ये चीज सही नहीं है। बाकी हमारा तो यही है, मेरे मुस्लिम भाई हिंदू भाई जो भी है, हम लोग सब भाई भाई हैं, और जो लड़वाना पुजवा रहे हैं ये बहुत गलत चीज करवा रहे हैं, ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम। बहनी भी आग लगा रही है, भैया भी आग लगा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी आग लगा रहा है, ये बहुत उमर अब्दुल्ला भी आग लगा रहा है, महबूबा मुफ्ती भी आग लगा रही है, महबूबा मुफ्ती उसकी बिटिया जो है इल्तिजा मुफ्ती वो भी आग लगा रही, विदेश से पढ़कर आई, जाने कौन सी सीख कर आई है हमको पता नहीं चलता। अच्छा भैया, हम लोग तो जो है हम लोग सब में प्रेम दिखाते हैं, प्रेम भावना दिखाते हैं, हमें कोई जम्मू कश्मीर से कोई ठंडी में आता है कंबल बेचता है उसे कुछ हम लोग नहीं करते, वो अच्छा से बेच कर जाता है। लेकिन एक वीडियो कल एक पत्रकार का वायरल हो रहा था, उनका नाम बहन का, तो एक जम्मू कश्मीर के निवासी से वो पूछ रही थी कि मंदिर बन रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, बोलते हम तो मंदिर में आग लगाएंगे, हमारे धर्म में कहा है कि हिंदुओं को यहाँ नहीं रहने देना है। क्यों नहीं रहना देना हिंदू को? हिंदू हमारा सनातन धर्म, हम लोग पैदाइश सारा चीज यहाँ धरती पे, हर चीज हमारी है, और जितना भी कास्ट के हैं जितना भी सारा चीज यहीं पर है, तो हिंदू को क्यों नहीं रहने देंगे? हमको राहुल गांधी से यही कहना है कि सारा जाति धर्म सारा अच्छे से रह रहे हैं, मुस्लिम हिंदू सारे वो अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर क्यों इसमें लड़ाई झगड़ा करवाना है? वोट बैंक है, बस वोट बैंक है, धारा 373-35 से फिर से आ जाएगा, फिर पाकिस्तान के साथ दलबहियां करेंगे, इश्कियां लड़ाएंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, फिर ताज पैलेस में अमन के तोते उड़ाएंगे, फिर करेंगे साहित्य फेस्टिवल, फिर वो होगा, फिर वो आएंगे, वो तोते उड़ाएंगे, ये तोते उड़ाएंगे, जम्मू कश्मीर आना जाना होगा, सैनिक मरे, अरे सैनिक तो मरने के लिए आते हैं जो पहले मरते थे, तो बस। और बाकी हमारे योगी मोदी, मैं बहुत खुश हूं और हमेशा ये खुश रहूंगा कि हमारे पीएम जो है वो जो कर रहे हैं
बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। अगर एक सब्जी हो या उस सब्जी में एक गला हुआ कुछ सामान रख देते हैं तो सड़ जाता, तो वैसा ही इंसान है कि कुछ ना कुछ भड़काने का काम करता है। आखिरी प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा बात किया, आपका बात सुनकर बहुत मजा आया हमको। अयोध्या पर इलेक्शन में क्या देख रहे हैं झारखंड में? झारखंड में अभी फिलहाल बहुत कुछ देखने को मेरे को मिल रहा है। झारखंड में मत वही हो गया, सावन में लग गया। हाँ, बस मेरे को वही देखने को मिल रहा है। और झारखंड में ऐसे तो हमारे भाजपा जी श्री रागनी जी, उनका तो मेरा फुल सपोर्ट है कि मैं उन्हीं का। चलिए ठीक है, अच्छा धनबाद में राज सिन्हा साहब का क्या लगा? राज सिन्हा तो मेरे को उतना कांटेक्ट नहीं है, बट मेरे दोस्त को कांटेक्ट है, वो रहते हैं हाउसिंग कॉलोनी में, तो कभी कभी जाते हैं, मगर उतना राज सिन्हा के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। झारखंड में भाजपा क्या है? झारखंड में भाजपा का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत। अभी हमारे सांसद डुल्लू महतो, वो बहुत अच्छे इंसान है, उससे मतलब एक होता है ना मिलने के प्रति, बात करने के प्रति, वो बहुत अच्छे करते हैं डुल्लू महतो हमारे। अच्छे मेरे को हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। गए थे अभी हाल फिलहाल में, गए हम अपने पर्पज से, कुछ पर्सनली पर्पज से गए थे, तो मीडिया बयानबाजी कम कर दी है वो थोड़ा सा। हाँ, बयानबाजी कर दिए, मगर ऐसा नहीं कि मैं तू टाइम नहीं, समझदार आदमी है, कम से कम उठ पटांग कुछ निकाल। हाँ, मीडिया तो खोजता है, मीडिया तो खोजता है उसके पर कुछ निकल जाए। हाँ। तो चलिए भैया, आखिरी प्रश्न, मैया सम्मान योजना जो आ रही है उससे लग रहा है कि एक वोट बैंक का पकड़ बना रहे फ्री के चक्कर में? नहीं, जो ये स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ अभी मेरी फैमिली का। लेकिन भाई फ्री के चक्कर वाले, फ्री 20 के चक्कर में वोट बैंक तो दे रहा है भैया, फ्री में दे रहा है, फ्री में देना उतना उचित नहीं, नहीं है। उचित उतना तो उचित नहीं है फ्री में देना उतना। कितना करोड़ का घाटा आ रहा है पता है इसको? बहुत। आने वाले समय अगर भाजपा आती है तो समझ में आएगा आटा दाल का भाव क्या है। बहुत। देश के दो राज्य जो है बिकवाली के दौर में आ गए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, अब झारखंड का नंबर है। झारखंड का नंबर है, अगर भाजपा नहीं आई तो ये राज्य भी जो समृद्ध राज्य है ये भी बेकार राज्य में तब्दील हो जाए। बहुत बहुत बहुत। चलिए भैया आपसे खबर खत्म करते हैं, एक युवाओं के लिए भी निकालना चाहिए हेमंत सोरेन को सैया सम्मान योजना। जी, इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम जैसे जो शादीशुदा नहीं है, बेरोजगारी, हमारी गर्लफ्रेंड है, तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तो हम लोग प्राइवेट में कार खटने वाले हैं, तो मतलब बेरोजगार हुए, तो हम लोग के लिए हेमंत सोरेन को सैया सम्मान योजना नहीं निकालना चाहिए, कम से कम गर्लफ्रेंड का भी हम लोग का मदद करें, क्या कहना चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड का मदद कर रहा है, मतलब लड़की के प्रति या लड़की के प्रति? अरे भाई कम से कम लड़का है तो लड़की के प्रति करेंगे ना, महिला है तो सैया सम्मान योजना के बारे में हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हाँ, वो सोचना चाहिए कि बहुत ऐसा लड़की लोग है जो देखे हैं अपने भी लाइफ में देखे हैं, और बाकी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कहीं दौड़ भाग करता हूँ ना जॉब के लिए, मैं भी बेरोजगारी हूँ, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हूँ। सरकारी नौकरी नहीं है मतलब बेरोजगार? हाँ, बेरोजगार हूँ सर, यही ना कहता है। तैयारी सरकारी नौकरी कर रहा, बट एग्जाम क्वालिफाई अभी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नंबर दो दो तीन नंबर। कोई बात नहीं, वो बात नहीं, सैया सम्मान योजना होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी लड़की है जो मिडिल क्लास मैया है, तो सैया भी होना चाहिए, सैया भी होना चाहिए। अरे मैया योजना 50 साल से लेकर 60 साल की महिला को पैसा नहीं दे रहा है, तो असली माँ तो 50 साल 60 साल के बीच की ही होती है। जी। तब हेमंत सोरेन साहब को सैया सम्मान योजना देना चाहिए, कम से कम 18 साल की युवती से लेकर 35 साल की युवती को देना चाहिए, और उनके बॉयफ्रेंड है तो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमसे अपनी राय रखने के लिए। दोस्तों फिर हाजिर होंगे नई चर्चा के साथ, नई लोगों के साथ।